दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। मुकेश अंबानी ने इंडिया में कमाल कर दिया है। बहुत सारी कंपनियां कमाल कर रही थी, जैसे रियलमी, रेडमी, साथ ही साथ मुकेश अंबानी ने जियो फोन 3 का 4G वेरिएंट और 5G वेरिएंट दोनों को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। फाइनली इसका रजिस्ट्रेशन भी चल रहा है। मैं इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप 4G को और 5G का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करें 4G, जो आपका जियो फोन 3 4G होने वाला है, केवल और केवल 1499 रुपये में होने वाला है। और साथ ही साथ बात की जाए 5G का, तो यहाँ पर 2999 रुपये उसकी प्राइस रखी गई है। दोस्तों सबसे पहले आप इंतजार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन या फिर कहा जाए तो आर्डर, तो मैं सबसे पहले आपको आर्डर करके बताता हूँ कि जियो फोन 5G आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सीधा सीधा अपने क्रोम या फिर किसी भी ब्राउजर में ओपन करना है गूगल को, और वहां पर लिखना है जियो फोन 3 5G रजिस्ट्रेशन, या फिर आप लिख सकते हैं जियो फोन 3 4G रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4G का आपको 1499 रुपये पैड करना पड़ेगा, और ये कैश ऑन डिलीवरी होगा या फिर आपके नजदीकी स्टोर पे मिलेगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर लेकर नजदीकी स्टोर पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले आप स्पेसिफिकेशन को देख लीजिए, उसके बाद से आप खुद ही पता कर सकते हैं आपको जियो फोन 3 5G लेना है या फिर जियो फोन 3 4G लेना है। दोस्तों यहाँ पर वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पर साफ साफ आपके सामने लिखा है जियो फोन 3 30MP DSLR कैमरा, और साथ ही साथ लिखा जाएगा 5G का सपोर्ट, 6GB रैम वेरिएंट और 128GB का रोम वेरिएंट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यह मार्च 2020 में लॉन्च होने वाला था और फाइनली इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खुशी की बात है कि आपको एक बहुत अच्छे क्वालिटी के साथ यहाँ पर मुकेश अंबानी प्रोवाइड कर रहे हैं जियो फोन 3 4G और 5G सपोर्ट के साथ। जबकि यहाँ पर 4G की बात करें तो मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैंने अपने लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अगर आप भी चाहते हैं अपने रजिस्ट्रेशन करना तो इस वीडियो को किसी भी हालत में मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके सामने ही सब कुछ गूगल पे सर्च करके दिखाया है। दोस्तों यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया आर्डर जियो फोन 3 गेट होम डिलीवरी आर शेड्यूल स्टोर पिक, यहाँ पर आप होम डिलीवरी भी कर सकते हैं और बगल से आप जाकर नियर जियो सेंटर से ले सकते हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो ये www.jio.com से लिया गया है, यानी कि इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जियो फोन 3 की बुकिंग चल रही है। मैं करता हूँ इस पर क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले कहानी आती है कि आपको जियो का एक नंबर डालना है या फिर जो भी नंबर आपके पास हो, आप नंबर से उसका OTP जनरेट करके आप कंफर्म कर सकते हैं अपने जियो फोन 3 को। तो यहाँ पर मैंने OTP जनरेट कर दिया है, मेरा OTP यहाँ पर मैंने पुट करता हूँ अपने OTP को। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फाइनली OTP डाल दिया है जियो फोन 3 के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर OTP डालने के बाद ये सिस्टम आ गया कि आपके उसी नंबर पर आपको कॉल करके बताया जाएगा या फिर उसी नंबर पर रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और उसी नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर के आप नियंत्रण जियो स्टोर से आप जाकर जियो फोन 3 ले सकते हैं, या फिर जब बुक का समय है तो उसे बुकिंग करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, फर्स्ट नेम आप डालेंगे, उसके बाद से क्या डालना है लास्ट नेम, उसके बाद से ईमेल आईडी आपकी ऑप्शनल है, लेकिन ईमेल आईडी इसलिए डालना है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके फोन नंबर पे ना आए तो ईमेल आईडी पर जरूर आए। साथ ही साथ पिन कोड डालना है जहां पर आपको जियो फोन 3 लेना है, और उसके साथ साथ इंटर डिलीवरी एड्रेस, आपको डिलीवरी एड्रेस भी डालना है जहां पर आपको जियो फोन 3 डिलीवर किया जाएगा। साथ ही साथ एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा फाइंड नियरेस्ट स्टोर, अगर आप पिन कोड डालते हैं तो वहाँ पर जियो फोन 3 का स्टोर कहाँ पर है आपको ये पता चल जाएगा उस एरिया में, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल कर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर आप जियो फोन 3 को ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली ऑप्शन खुल चुका है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका पिन कोड एड्रेस पिन कोड डालना है, उसके बाद से बगल में स्टोर इन योर एरिया, वहाँ पर जितनी भी निकटतम जियो स्टोर रहेगी वहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं रहता हूँ बंगलोर में और वहाँ पर डालता हूँ, तो यहाँ पर जितनी भी निकटतम जियो स्टोर है सब कुछ मेरे सामने आ चुकी है। मैं यहाँ पर कहीं भी जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाकर जियो फोन 3 को ले सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी खुशी की बात होगी कि जियो फोन 3 आपके लिए बुक हो चुका। दोस्तों ये रहा आपके सामने जियो फोन 3 का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप इसे नियंत्रण जो आपके नजदीकी जियो फोन स्टोर है वहां पर दिखाकर जियो फोन 3 ले सकते हैं।
या फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों इस वीडियो को उस दोस्त के पास शेयर कर दीजिए अगर आपको जियो फोन 3 बुक करने नहीं आ रहा है, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं आपका जियो फोन 3 बुक कर सकता हूँ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ। अंटिल देन दिस इज सुधीर।